क्रिप्टो में स्कैम या रग पुल बहुत आम बात है। मैं आपको आज बता रहा हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस प्रोजेक्ट में कितने ज़्यादा फंडामेंटल पॉइंट्स हैं और उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि किस तरीके से हम रग पुल से बच सकते हैं। सो अगर मुझे एग्जाम्पल देना है तो मैं आप लोगों से कारों की बात करूँगा जो कि हमारा गेमिंग प्रोजेक्ट है। सो सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर टोकन का, जो कि उस प्रोजेक्ट का टोकन है, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखना होगा। तो हम कारों का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। सो अगर हम कारों की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करना है। और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके हम जाएंगे बीएससी स्कैन पे। ओके, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर लिया। अब हमें ओपन करना है बीएससी स्कैन, जो कि बाइनेंस ब्लॉकचेन का एड्रेस है। और बीएससी स्कैन पे जाने के बाद में आप उसको एक बार प्रॉपर तरीके से वेरीफाई कर लें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर है या नहीं है। तो आपको वेरीफाई करने के लिए आपको जाना है बीएससी स्कैन पे। आप वहाँ पर भी इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट कर सकते हैं और पेस्ट करने के बाद में आपको आपके टोकन का पूरा एड्रेस डिटेल नाम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ कारो दिख रहा है। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। आप होल्डर्स देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन हैज़ देख सकते हैं। सो दिस मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इम्पॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं स्कैमर्स उनका क्लोन बना लेते हैं। तो आपको नाम सेम दिखाई देगा, लोगो सेम दिखाई देगा, बट जब आप उस एड्रेस को कॉपी करेंगे और कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके पास क्लोन टोकन्स आएंगे और आपका जो रियल हार्ड अर्न्ड एसेट है वो किसी स्कैमर के पास चला जाएगा। सो मेक श्योर बिफोर चेकिंग और डूइंग एनी ट्रांजेक्शन कि आप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में हैं। देन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है टोकन स्नीफर। आपको टोकन स्नीफर पे जाना है और टोकन स्नीफर पे जाने के बाद आपको उस टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो वहाँ पर पेस्ट कर देना है, जहाँ पर टोकन स्नीफर आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाता है कि जैसे कि लिक्विडिटी जो है वो कितने प्रोवाइडर्स हैं, कितने टोकन्स बर्न हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर हमें देखना है तो हम टोकन स्निफर पे वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप देख रहे हैं, हमने मेटा रिकारो का पेस्ट कर दिया है और नाउ ये आप देख रहे हैं उसका डिटेल आ गया, बीएससी स्कैन पे है, डेक्स स्कैनर है एंड देयर इज टोकन इज सेलेबल, नॉट अ हनी पॉट। इट मीन्स यहाँ पर कोई हनी पॉट नहीं है। बाय फीस इज लेस देन 5%, वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट सोर्स 3%, टोकन ऑलरेडी सप्लाई बर्न हो चुका है हर मंथ, जैसे कंपनी 1% ऑफ टोटल सप्लाई इज गोइंग टू बर्न फॉर 60 मंथ, टोटल 60% सप्लाई लॉक है, ये दूसरा पॉइंट। देन ओनर का वॉलेट जो है वो लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग टोटल सप्लाई से भी कम होल्ड करता है। देन क्रिएटर वॉलेट के पास 5% से भी कम टोकन सप्लाई है। ये वो चेक पॉइंट्स है कि जहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट, फाउंडर या टीम ये रग पुल नहीं करेंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। करंट लिक्विडिटी आप देख रहे हैं, तो जो करंट लिक्विडिटी वाला सेक्शन आप देख रहे हैं वहां पर आपको दिख रहा है व्यू एलपी एंड व्यू एलपी होल्डर्स। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कितने हैं। तो व्यू एलपी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बाइनेंस स्कैन का एक पेज ओपन होता है जहां पर आप सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स आप चेक कर सकते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं लगभग 15 से 20 लिक्विडिटी अलग अलग प्रोवाइडर्स अकाउंट हैं। ओके, और अब आपको ये देखना है कि जब भी कोई लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जाता है या जो लिक्विडिटी जाती है उसका जो एलपी टोकन है वो एलपी टोकन ओनर के पास है या लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास है। सो बाय यूजिंग दोज एलपी टोकन्स वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर एक्सचेंज से लिक्विडिटी वापस ले सकता है। सो इट मीन्स कि अगर वो लिक्विडिटी वापस एक्सचेंज से चली जाती है तो टोकन की सिक्योरिटी या प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। तो उसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, व्यू होल्डर्स के ऊपर जाना है। आप जब व्यू होल्डर्स के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपने देख लिया, ठीक है, और अब आपको देखना है एलपी टोकन होल्डर एड्रेस। तो यहां पर आप देख रहे हैं नल डेड। तो ये जो नल डेड एड्रेस है बेसिकली दिस इज अ बर्निंग एड्रेस ऑफ द बाइनेंस ब्लॉकचेन। और आप देख रहे हैं कि मोर देन 99.71%, इट मींस ऑलमोस्ट 100% जो एलपी टोकन्स है वो
वो पूरा का पूरा यहां पर डेड वॉलेट में ट्रांसफर हो चुका है। इट मीन्स लाइफ टाइम जो लिक्विडिटी है वो परमानेंट लॉक हो चुकी है कारो टोकन की, और जितना भी आप टोकन बाय करते हैं या फिर आप जो भी लिक्विडिटी देख रहे हैं ये परमानेंट लॉक है, इसे कोई निकाल नहीं सकता। सो प्रोजेक्ट इज प्रेटी मच सेफ और दिस इज प्योरली ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू चेक, देन यू हैव टू चेक हाउ मेनी होल्डर्स। ऐसे बहुत सारे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स में आप चेक पॉइंट्स के थ्रू किसी भी प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। कारो की तरह बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स इस पूरी इंडस्ट्री में आए और इस इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ लेकर जाए, इस इंडस्ट्री में और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आएँ, लोगों की लाइफ को और आसान करें एंड ट्रूली डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हम लोग वेब थ्री के अंदर बढ़ें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।